नाजरिन असला आप देख रहे हैं दर्ल्ड उफाट में हूँ सूफी उमर दराज उम्मीद है आप सब बखेरत से होंगे आप को दर्ल्ड उफाट बाय सूफी में खुशामदीद आज हम जिस मोतबर की ज़िंदगी में जिंदगी और उनकी जद्दोजहद पर बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया है और बहुत शोहरत उनकी है और ख़ते नस्तालिक में तो कमाल काम कर रहे हैं आजकल उनका नाम नामी इसमें इरामी है सफदर हुसैन राजा अलम साहब आपकी पैदाइश 10 सितंबर 1971 को गुजर खान में हुई इब्तदाई तालीम अपने गांव ही में पाई उसके बाद एसएससी और बीए बीए और उसके बाद बीएड एड अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से की फन की इब्तदा के सवाल पर राजा साहब ने फरमाया कि उन्नीस सौ बयानवे में बुनियादी खत्ती की तालीम जनाब मियाँ जाहिद अली साहब से ली इसका दौरानिया फकत डेढ़ साल पर मुश्तम था मगर हालात के पेश नज़र एक निजी स्कूल में बतौर उस्ताद मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी जिसके सबब से खत्ाती से आर्जी रिश्ता टूट सा गया उन्नीस सौ तिरानवे से उन्नीस सौ सत्तानवे तक उस स्कूल में बतौर उस्ताद मुलाजमत की और सतानवे से पाकिस्तान मिलिट्री के इदारे में अकाउंट्स में मुलाजमत इख्तियार की दो हज़ार दस में इश्क खत्ती ने बेचैन या तो दोबारा खत्ाती सीखना शुरू कर दी और उस्तादुल उसादा मोहतरम जनाब हबला खालिद जावेद यूसफ़ी साहब से रिश्ता तलमस जोड़ा जो ता सारी है यूसफ़ी साहब ने दो हज़ार दस से आज तक तालीम तरबियत और एक हफ़्ते में दो रोज़ असलाह देने की रूटीन रखी छः खतूत के इसबाक मुकम्मल हो चुके हैं और सातवीं ख़त की तरबियत जारी है इस दौरान यूसफी यूसफ़ी साहब ने राजा को आरिफुल कलम का एजाज से नवाजा राजा साहब यूसफ़ी साहब को किसी दरवेश से कम नहीं समझते और फरमाते हैं उस्ताद जीवक़ार हबला यूसफ़ी साहब नेक मुतकी परहेजगार दरवेश दरवेश्त नक्काश अजीम उस्ताद महरबान रहनुमा हैं आपने जितनी ख़दमत फ़न खताती की है शायद ही इतनी किसी और खतात ने की हो इस इसफन दौर में अब तक सफ़दर राजा साहब ने बहुत से चैनल्स पर ख़ताती के जोहर दिखा चुके हैं जिसमें पीटीवी चैनल पर लाइव ख़ताती में एवार्ड वसूल कर चुके हैं यमन में ऑनलाइन ख़ाती मुकाबला ख़ में गोल्ड मेडल भी पा चुके हैं राजा साहब ख़ुलस ख़त नस् ख़त नस्ाल ख़त दीवानी में काम करते हैं और लाजवाब काम करते हैं मगर लाहौरी मस्लिक से इश्क़ फरमाते हैं और फरोक में पेश पेश हैं। उसी सिलसिले की एक अड़ी बहार मस्तलक के नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाना है जिसका मकसद नौजवानों को लाहौरी मस्लक सिखाना और इसके शरारो रमूज को बयान करना है इस सिलसिले की दूसरी अड़ी बहार मस्तल के नाम से एक मस्लिक ख़त कासा का तरतीब दिया जा रहा है जो अनकरीब शाया या किया जाएगा दो हज़ार सत्रह में तुर्की के ताउन से पाकिस्तान में पहली बैन अवी ख़ाती नुमाइश में शिरकत की दो हज़ार सात में हॉकी खेलना शुरू किया इस शोबे में आपने पाकिस्तान नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप खेलने का एजाज़ भी पाया आजकल पाकिस्तान मिलट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं और फ़नी काम काज में मशगूल हैं आप शायरी भी कमाल की करते हैं और बहुत सा कलाम कह चुके हैं आपने बहुत से शागिर्द बनाए हैं जो अंदरून और बैरून मुल्क से बिलवास्ता और बलावस्त सीख चुके और सीख रहे हैं जिनमें मुंदरजा, जेल अहबाब शामिल हैं शकील ख़ान पेशावर आबिदुल्ला उज्जर खान हाफिज बसीर साहब राजा फ़हीम ज़ोक कश्मीर मुहमद शुब शेबिश इस्लाबाद से मुनवर हुसैन सऊदी अरब से और ग़फर अली मर्दान से शफील्ला डेरा इस्माइल ख़ान से और ताहिर, ताहिर फ़ारूक़ अमेरिका से और ये वो शागिर्द हैं जो बहुत पुख्ता लिखने लगे हैं मुसलसल दस सालों से मुल्की व बेवामी नुमाइशों में खताती की नुमाइशों में शिरकत कर रहे हैं आपने बहुत सी नुमाइशों में ग्रुप शोज़ में अपने फ़न के जोहर दिखाए हैं इसके अलावा ज़िली सूबाई और मुल्की सतह पर तो बहुत काम करमाया है फ़न ने खत की तरवीज में बहुत से मुकाबलों में बतौर मुनसिफ़ अपने फ़रइज़ नहायत खुश इसलूबी से निभा चुके हैं हुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्ता फ़रमाए और आपके आपकेमल फ़न व अदब में तरक् व कामयाबी के रास्ते खोले। आमीन उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी बेशुमार वीडियोस देखने के लिए और फ़न ख़ाती मशवरी नक्काशी मुजस्म साजी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ आर्ट बाए सूफ़ी सब्सक्राइब करें शेयर करें और देखते रहें और राजा साहब के यूट्यूब चैनल को मुलाजा करने के लिए आप को जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मुलाजा फरमाइए और उनके से उनके चैनल से भी फेज याब होते रहे बहुत शुक्रिया जजाकला थैंक यू नवाजिश